नागदा में आज शहीद दिवस मनाया गया, जहां सभी नागरिकों ने कारगिल में हुए शहीदों को याद किया। सबकी आंखें नम थी। आर्मी में आए हुए सभी सोल्जरों ने अपने साथियों को याद किया, जिसमें अनिल निकम कर्नल ने कारगिल में हुए युद्ध के बारे में लोगों को बताया और जानकारी दी। इसमें लक्ष्मण सिंह भदादिया ने आदि शिरकत की। डॉक्टर सुरेंद्र मीना ने कार्यक्रम की शुरुआत की तथा राजेंद्र सिंह ने आभार माना। शहर के विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। भारतीय सेना में जितने भी जांबाज रणबांकुर है जो आज नागदा में है, इसके अलावा मेजर प्रवीण कुमार जी, निकम साहब, ये सारे लोग, लक्ष्मण भदौरिया जी और जितने भी सेना के जो जवान यहाँ मौजूद हैं, उनको भी धन्यवाद कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन शहीदों के शहादत के कार्यक्रम में शामिल किया। एक हमारी प्यारी सी बच्ची है, उसके द्वारा भी देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस दिन एक जवान शहीद होता है उस दिन उसकी बहन के हाथ से राखी भी छूट जाती है, माँ का आंचल भी सूना हो जाता है, पत्नी की मांग सुनी हो जाती है। तब कहना चाहता हूँ, उनके सम्मान में पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि जिसने जला के नीचे प्राण को उजाला किया जिंदगी को, उसके ही नाम करता हूँ मैं, और देश के जवानों के रगों में ज्वार ला सके ऐसा हर काम खुले आम करता हूँ मैं। तो एकता अखंडता के रहूं मैं, जो कहता बोले उनका कबर सुबह शाम खोदता हूँ मैं, और अपनी जवानी ऐसे देश पे लुटा गए जो, ऐसे देश भक्त को प्रणाम करता हूँ मैं, ऐसे देश भक्त को प्रणाम करता हूँ मैं। मित्रों, लगना चाहिए कि ये शहीदों का, ये उन जवानों का कार्यक्रम है, ये बिरला ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा है। तब कहना चाहता हूँ कि फरिश्ते फरमान रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं, कि फरिश्ते फरमान रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं। अरे ये वतन है इन जवानों का, जो अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। कारगिल विजय दिवस को पूरे हिंदुस्तान में उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने कारगिल में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के सबसे महत्वपूर्ण अंग को दुश्मन के हाथों से बचाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 साल पहले कारगिल का जो 2 महीने युद्ध चला था उसमें तकरीबन 547 जवान हमारे शहीद हुए थे, और उस युद्ध में तकरीबन 1450, आज का ही आंकड़ा है, 1450 जवान जो घायल अवस्था में है, आज भी वो घायल ही हैं, उनका शरीर का कोई ना कोई अंग प्रभावित हुआ था। मैं शुरू करता हूं बिरला ग्राम क्षेत्र और के साथ में नागदा के प्रबुद्ध जनों का, जिन्होंने इन प्यारे प्यारे बच्चों का, जिन बच्चों ने प्लान किया इस कार्यक्रम को, उन बच्चों के लिए तैयार किए हुए इस कार्यक्रम में आप सभी की भागीदारी रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, एनसीसी के ये कैडेट्स, भारत कॉमर्स विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स सुरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में यहां मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शहीदों का, भारतीय सेना के जवानों का कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म होता है देशभक्ति, जज्बा, समर्पण, सद्भाव। आप कल्पना कीजिए कि जब देश की सेवा करने का जब मौका मिलता है तो ये जवान सब कुछ छोड़कर अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने पिता को, अपने बच्चों को छोड़कर कैसे सीमा पर हमारे लिए लड़ते हैं। और हम अधिक से अधिक क्या करते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देख लेते हैं और अफसोस करते हैं कि आज ऐसा हुआ है। लेकिन सही मायने में